दोस्तों अब है हम लोग जंगली बाबा के मंदिर पे, और ये भी मंदिर काफ़ी पुराना है। हालांकि इस बिल्डिंग में भी बहुत सारा काम किया गया है, लेकिन अगर जंगली बाबा नाम है तो आप समझ सकते हैं कि ये बाबा जंगल में रहते थे। और अभी भी यहाँ पे देखेंगे आप तो ये सारा का सारा पीछे ही देखें, ये पूरा का पूरा एरिया जंगल है। और ये जो है ये घाघरा नदी यहाँ से बह रही है, ये मंदिर ऐसा कुछ दिखता है, और ये पूरा का पूरा जंगल अभी वहाँ तक। मैं आपको और दिखाता हूँ कि एक रास्ता जो है, जो ये कठौड़ा गांव है, और कठौड़ा गांव से डूहा बिहरा के लिए एक रास्ता और है जो इन जंगलों के बीच से होता हुआ जाता है। वो रास्ता काफ़ी खूबसूरत है। इस मंदिर के असली लुक जो है ना यहाँ से आता है, देखिए यहाँ से देखिए काफ़ी सुंदर लगता है। आपको मैं दिखा रहा हूँ एक दूसरा रास्ता जो कि जंगली बाबा से हमारे गांव डूहा बिहरा जाता है। देखिए ये जो रास्ता है, ये रास्ता आपका चला जाता है डूहा बिहरा सीधा ऐसे ही। और आप देश के दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए और किसी भी पवित्र जगह या कोई भी ऐसे हिस्टोरिक प्लेस पर चले जाइए, जी है ना, ये हर जगह मिलता है। लोग अपना नाम और ये सब चीज़ें इस पे लोग लिख देते हैं। समझ नहीं आता कि आखिर इस पेड़ को ये सब लिख करके वो लोग क्या साबित करना चाहते हैं। दोस्तों मेरे गांव की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है कि ये चारों तरफ जो है ना ये जंगल है और बीच में गांव है। दूसरी चीज़ है कि अगर एक साइड, तीसरा साइड जो कहा जाए तो उस साइड में नदी है, बाकी तीन साइड में ये पूरा का पूरा जंगल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए ये पूरा का पूरा ये भी जंगल का एरिया है। तो कुछ ऐसी जगह पर है मेरा गांव। सो फ्रेंड्स, अब ये ब्लॉग यहाँ पे एंड होता है और हम लोग मिलेंगे एक अगले ब्लॉग में और एक अलग कहानी के साथ। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग में। और हाँ, इस चैनल को अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।